नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसे। आज बात उस 27% आरक्षण की जो अभी अधर में है, ना अभी कोर्ट ने फैसला सुना है और ना ही अभी सरकार ने कोई ऐलान किया है, लेकिन श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है, वह भी महाअधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव के एक अभिमत के कारण, जिसमें उन्होंने सरकार को रास्ता सुझाया है कि किस तरह अन्य जगह इसका लाभ दिया जा सकता है। जबकि पहले सरकार हो या विपक्ष, दोनों ही धुएं में लठ मार रहे थे। अब रास्ता निकलते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि बाकी जगह कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार गुमराह कर रही थी। कांग्रेस अब अधर में लटके इस मामले में भी श्रेय लेने की होड़ में जुट गई है, जबकि सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा सरकार लगातार इसमें रास्ता निकालने की दिशा में काम करती दिख रही थी। और अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो अधर में आरक्षण पर श्रेय की होड़ पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आरक्षण से ज्यादा शायद ही किसी अन्य मुद्दे ने देश की राजनीति को प्रभावित किया हो। आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग सभी राजनीतिक दलों की आंखों का तारा है, जिसे तरह तरह से लुभाने की कोशिशें होती रहती हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रदेश की आबादी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी ओबीसी समुदाय की है, लेकिन इस समुदाय को राज्य में अभी 14% ही आरक्षण मिलता है। हालांकि साल 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। बाद में विधानसभा ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। तब से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव का अभिमत सामने आने के बाद पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और एक के बाद एक ट्वीट कर खुद आरक्षण पर श्रेय लेने लगे। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नीतिगत षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह जी आरक्षण प्रेम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी बिलोंग करते हैं, 7 सालों में उन्होंने देश में आरक्षण के लिए क्यों नहीं किए ओबीसी के लिए। मध्य प्रदेश में 57% आबादी आरक्षण की है, 15 साल से शिवराज सिंह जी, 16 साल से सीएम हैं। उनके पहले बाबूलाल गौर साहब, उमा भारती जी ओबीसी की थी, उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं किया? ओबीसी वर्ग की आंखों में आंसू क्या उन्हें तब नहीं दिखे थे? अब चूंकि कमलनाथ जी की सरकार ने अपनी वचनबद्धता का परिपालन करते हुए सरकार बनते ही 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी, तो वो पेट में दर्द जो इनको था वो अब सता रहा है। 15 माह की सरकार में हमने आरक्षण लागू कर दिया और ये 15 साल में उसके सपने देखते रहे। बता दें, ओबीसी आरक्षण पर एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव ने सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग को अभिमत दिया था। इसमें कहा गया कि सरकारी नियुक्तियों में प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है, अन्य मामलों में सरकार स्वतंत्र है, जिसके बाद कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई है। वहीं महाअधिवक्ता के अभिमत के बाद माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि महाअधिवक्ता के अभिमत पर सीएम ही निर्णय लेंगे। हमारे एडवोकेट जनरल का अभिमत जैसी जानकारी मिली है कि आया है, उसका सरकार परीक्षण करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस बारे में जल्दी निर्णय करेंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के लिए मायने रखता है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश की जो सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, वहां ओबीसी की जनसंख्या काफी है और उनके उत्तर प्रदेश में पारिवारिक रिश्ते भी हैं। ऐसे में चुनाव के समय इन लोगों की भूमिका अहम हो जाती है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अहम राज्य के चुनाव के वक्त वैसा कोई जोखिम मोल ले जिससे उसे चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
प्रदेश की आबादी में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी वाले समुदाय को फिलहाल राज्य में अभी 14% आरक्षण मिल रहा है, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। अब दोनों ही दल चाहते हैं कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27% की जाए, लेकिन श्रेय खुद लेना चाहते हैं। फौरी तौर पर इसे आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के 3 उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असलियत में यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़ा हुआ मामला है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से गोविंद मालू, और भी कांग्रेस से हमारे साथी जुड़ेंगे, अधिवक्ता को भी हम जोड़ेंगे। शुरुआत गोविंद मालू जी आप ही से कर लेते हैं। आज आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि मंत्री प्रभार के जिलों में सप्ताह में 2-2 दिन बिताएं और वहां जाकर बताएं कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है मालू जी। और कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस तो खुद ही गुमराह है, तो क्या गुमराह कर रही है, वो तो लोग ही लोगों से गुमराह है, खुद गुमराह है और गुम चले गए, कहीं राह भी नहीं है, गुम भी हो गए हैं, इसलिए इनकी बात का तो कोई एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये जो पिछड़े वर्ग आरक्षण का जो इन्होंने बिना सोचे समझे बिना किसी तैयारी के जिस तरह से उसको लागू किया, उसके बाद कोर्ट में चला गया मामला, यह इनकी नौसिखियेपन की और अपरिपक्वता की निशानी है। कोर्ट में जाना ही नहीं था, इतना ताक चौबंद करते उसको, अब उस पर अब हम भारतीय जनता पार्टी अब उसको पेश करेगी कोर्ट में, न्यायालय में, न्याय प्रक्रिया में। तो कांग्रेस खुद गुम हो गई और राह भी नहीं मिल रही है। इतने गुमराह हम तो नहीं हुए, जनता को इन्होंने किया और लॉलीपॉप दिया, ये सब जनता समझ रही है, पिछड़ा वर्ग के का हित संरक्षण को भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मालू जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि 16 साल से CM शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने तब आरक्षण पर 27% चिंता क्यों नहीं की पिछड़े वर्ग की, हमने 15 माह में कर दी, और अब श्रेय ले रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कह रहे थे कि बाकी जहाँ कोर्ट में स्टे नहीं है उन मामलों में उनको नियुक्तियों में और अन्य विभागों में दे दिया जाए 27% आरक्षण, आज आप कह रहे हो 1.5 साल बाद। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 साल की जो बात कर रहे हैं, हमेशा पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, लेकिन 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ, मंडल जब आया 79 में तब जनता पार्टी की सरकार थी, मंडल की रिपोर्ट आई मंडल कमीशन की, उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर जब VP सिंह आए तब उन्होंने लागू किया, संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं दिया, उनकी 15 महीने की सरकार थी, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया, जब चला चली की वेला थी। देखिए कांग्रेस तो हिपोक्रेसी करती है, ढोंग करती है, कांग्रेस को पर इस बात का एतबार अगर लोगों को होता तो उनके पास से ये जो जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो लोग वास्तव में उन वर्गों तक पहुंचने और उनको लाभ देने की बात की सामाजिकता नहीं निभाते, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़ा हो, उनके वास्तव में आर्थिक उन्नयन का सोच के उनको उस स्तर पर लाके, क्योंकि आरक्षण या इसका मतलब ये है कि हम जो ये दबे कुचले पिछड़े लोग हैं इनको उस लेवल में खड़ा करें जाके जहाँ जहाँ समाज है, तो सामाजिक समरसता का एक शंखनाद करना चाहिए, ना कि वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वोट तो बैंक कहीं नहीं नजर आ रहा है क्या इसमें, जितनी तेजी भाजपा ने दिखाई है उसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ मतलब छिपाई होगा मालू जी। वोट बैंक के लिए हम काम नहीं करते, मैंने पहले कहा हम तो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं और हम उन वर्गों के उत्थान के लिए कई सारी पहल हमारी सरकार ने पहले भी करी है और उसके बाद में भी करती रही है, केवल ये लॉलीपॉप दिखाने से और शगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होता, वास्तव में उनकी कौन सी योजना उन्होंने बनाई ये तो बताएं वो। चलिए मालू जी आप हमारे साथ बने रहिए, प्रियल आनंद जी एडवोकेट हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि TV पे। प्रियल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच। प्रियल जी PSC चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा विभाग जैसे 6 मामलों में कोर्ट ने स्टे दे रखा है, सरकार ने निर्णय लिया है पुष्पेंद्र कौरव जी जो महाधिवक्ता हैं उनके अभिमत के आधार पर कि अन्य विभागों में और नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा OBC को, तो आपको लगता है कि ये इतना आसान है या कोर्ट में अभी कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है उस
पुराने मामलों की तरह इन मामलों में भी जो पक्ष रहेगा वो कोर्ट जा सकता है और स्टे मिल सकता है। देखिए कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें कोर्ट जाया जा सकता है और ये जो मामला है वो काफी ही ज्यादा सेंसिटिव है और जहाँ तक देखिए शिक्षा समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और शिक्षा में इस तरीके से प्रतिशत मात्र के हिसाब से जाया जाना और बाकी वर्ग के छात्रों को के बारे में ना सोचना ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो ऐसी चीजों में मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट का दखल अंदाजी देना इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं देना भी चाहिए क्योंकि अन्य वर्ग के छात्रों का भी हमें सोचना होगा और समाज के कल्याण हित के लिए तो हम प्रतिशत के हिसाब से किसी भी वर्ग के बच्चे हों या किसी भी वर्ग के छात्र हों उन पे हम इस तरीके से निर्धारण पूर्ण पर आश्रित तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन प्रियल जी जिन छह मामलों में पहले कोर्ट में उसमें अभी फैसला नहीं आया है 1 सितंबर को सुनवाई होगी, जिस तरह से रोक लगा दी गई है कि 27% नहीं दे सकते हैं आप, हाँ 27% के आधार पर आपने जो विज्ञापन दिया है वैसी भर्ती कर लीजिए लेकिन नियुक्तियां नहीं दे सकते हैं आप, 14 के आधार पर ही देंगे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार कह रही है अपने मंत्रियों से कि जाइए आप जिलों में जाकर कहिए कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू है छः मामलों को छोड़ के, उन छः विभागों को छोड़ के, तो आपको लगता है कि इतना आसान है कि अभी कोर्ट का एक रास्ता ही बचा है, एक पैंच है अभी, इतना आसान नहीं है जितना सरकार कह रही है कि दे रहे हैं हम? नहीं देखिए मामला आसान हो या कठिन हो वो एक अलग बात होती है लेकिन जहां मामला आप ये समझिए देश के भविष्य के लिए, क्योंकि देश की भविष्य ही आगे के वर्ग के छात्रों पे टिकी होती है, आगे के यंगस्टर पे टिकी होती है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि उस मामला को अगर हम अगर सरकार नहीं समझ रही है या सरकारों के मतभेद के बीच में इनको अपनी प्रतिशत अपने वर्गों के बीच में प्रतिशत सूझ रही है तो ऑफकोर्स ही बात है हमें लगता है कि कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना एक आखिरी सोल्यूशन होगा इस चीज में। जी प्रियल जी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। अभी आप प्रियल आनंद जी को सुन रहे थे, एडवोकेट हैं, इससे पहले गोविंद मालू जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा आपने 70 साल में कोई चिंता नहीं की और अब आप श्रेय ले रहे हो कि कमलनाथ जी ने लागू कर दिया था जबकि आधे अधूरे मन से आपने लागू किया था और वो उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, एक कांग्रेस पार्टी जब जब कोई अच्छा काम करती है, जब जब सर्वजन हिताय का काम करती है, जनता की भलाई का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकाम हो जाती है अपनी अकर्मण्यता और नाकामी से, तो वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोष मढ़ना चालू कर दीजिए। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमने सबसे पहले आके जो 27% आरक्षण था ओबीसी को और 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिए दिया और न्याय किया, और जब कमलनाथ जी की सरकार चली गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कि नहीं चाहते थे कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले और सामान्य वर्ग के 10% लोगों को जो गरीब है उनको आरक्षण मिले, तो उन्होंने वहां पर कोर्ट में ठीक से केस को प्ली नहीं किया, वहां पे वकील ठीक से खड़े नहीं किए, उसकी वजह से वहां स्टे आ गया। अब स्टे हट गया है और ओबीसी के लोगों को जो कि कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती थी कि ओबीसी के लोगों को 27% आरक्षण मिले, वो अब मिलने का रास्ता साफ हो गया है, 10% सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को उससे लाभ होगा। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जिन छह मामलों में स्टे है उनको छोड़कर अन्य में दिया जाए, ऐसा कभी वक्तव्य आया नहीं। बार बार कांग्रेस ने यह जरूर कहा कि कोर्ट में भाजपा सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा इस कारण ये स्टे है, क्या अब ये रास्ता निकल आया है इस कारण भाजपा कह रही हमने रास्ता निकाल लिया और आप कह रहे हम तो पहले से ही सुझा रहे थे ऐसा? नहीं देखिए मैं समझता हूँ कि आपको ठीक से जानकारी नहीं है और जो लोग ठीक से जानकारी नहीं रखते हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के बारे में यही बात करेंगे। हम तो डे वन से यही बात कह रहे हैं, अगर हमारी मंशा नहीं होती तो फिर कमलनाथ जी की सरकार ये प्रस्ताव लाती क्यों, विधानसभा में इसको पास कराती क्यों और इस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर कोर्ट में गए
और वहां पर जाकर इन्होंने हमारी जब सरकार चली गई तो उन्होंने उस पर किसी तरह से कोर्ट में प्ली नहीं किया उस केस को। हमने तो लगातार कहा और इस बात को उठाया है, आप देखें अखबार के अखबार बड़े बड़े पड़े हैं, हमने कई आंदोलन उस मामले में किए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और सारे तथ्य जनता के सामने रखे, प्रेस के सामने रखे, मीडिया के आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने ही कोर्ट में स्टे लगवाया था। जी भाजपा के लोगों ने कोर्ट में स्टे लगवाया था, आप ये आरोप लगा रहे हैं जब आप लाए। बिल्कुल उन्हीं के लोग थे और उन्हीं के लोगों से इन्होंने स्टे लगवाया और उसको उसको केस को ठीक से प्ली नहीं किया, इस वजह से वहां पे स्टे लग गया और जब लग गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सियारों की तरह चिल्लाने लगे, अरे ये तो कांग्रेस पार्टी ने की मंशा नहीं थी, वो उनको देना नहीं चाहते थे, उनको करना नहीं चाहते थे और हम देखिए हम करने के लिए कर रहे हैं। पर हम आपके आरोपों पर जवाब ले लेते हैं, मालू जी जुड़े हैं सक्सेना जी। मालू जी तब कांग्रेस ने लागू किया था तो आपको लगा था कि पूरा श्रेय कांग्रेस ले जाएगी, उसको फायदा हो जाएगा, तो आपने स्टे लगवा दी अपने लोगों से और जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो आज आप लागू कर रहे हैं ताकि आपको फायदा मिल जाए। कांग्रेस के तो मुझे बचकानापन पर हंसी आती है कि ये फोन लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कोई कार्यकर्ता ने लगाया था क्या? मैं इनसे पूछता हूँ, 2019 में इनकी सरकार थी, 10 तारीख से 19 तारीख मार्च के बीच में इन्होंने कोर्ट में अपना वकील खड़ा क्यों नहीं किया? हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, किसने खंडन किया क्या उसका? इनका वकील खड़ा नहीं हुआ 19 मार्च तक और इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और इन्होंने उसको स्टे को होने दिया। ये खुद करते हैं, खुद ही लगाते हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना था? आपने किया था, आपने उसको एक तरफ एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से ले लेते हैं, तो कांग्रेस की शुरू से परंपरा रही है, ये साथ दे उस हाथ ले। कांग्रेस कभी भी देने की मंशा नहीं रखती, वो तो देने का स्वांग करती है और ले झपट के ले लेती है। यही उन्होंने किया, ये इन्हीं लोगों ने खड़ा किया और दूसरे का नाम लगा रहे हैं, हमें क्या लेना देना? और इस्टे तो इनकी सरकार के टाइम लगा भाई, अब 2019 में हमारी सरकार थोड़ी थी, इनको क्या कौन से मति भ्रम में है, ये कौन सी गोली खा के बैठते हैं भांग की? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हम जब ये इस रिकॉर्ड पर है कि 2019 मार्च को इनका वकील कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ और एक तरफा इस्टे मिल गया, तो ये पैरवी क्यों नहीं की इन्होंने? इन्होंने पहले संवैधानिक स्थिति उसमें क्या पेच आ सकते हैं, इतनी स्टडी, इतनी वर्क, इतना होमवर्क इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो केवल शिगुफे छोड़ने के आदि हैं शुरू से, वो लोगों को लॉलीपॉप देकर उनसे छीन कर और केवल लोगों को बरगलाए रखते हैं। गरीब हटाओ का नारा आपने देखा नहीं, क्या हश्र हुआ उसका? हरित क्रांति का क्या हश्र हुआ? देखने रहे आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, इन लोगों ने देश की जो बर्बादी की है वो किसी छुपी नहीं है। सक्सेना जी जी, मालू जी आवाज आप लोगों की बहुत धीरे आ रही है, बात पूरी समझ नहीं आ रही। तो आप मालू जी को सुन पाएगी? सवाल पूछे मालू जी, कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे थे, आपने सही से कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा था, आप जल्दबाजी में लेकर आए और अब ठीक रहा उन पर फोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको कहा देने का इरादा नहीं रहता, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं। बहुत परेशान है अपनी पार्टी से, उनको धक्के मार मार के लोग निकाल रहे हैं, वो तो खुद गुमराह हो गए कि कैसी पार्टी में चले गए, पूरा जीवन लगा दिया हमने और उसके बाद हमारे साथ ये सलूक और ये व्यवहार किया जा रहा है, वो छोड़िए एक अलग बात है। पर मैं आपको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय छोट पार्टी। मैंने कहा कि ये जब अपनी किसी चीज में असफल हो जाते हैं अपने नकारेपन के कारण, अपनी अकर्मण्यता के कारण, तो कांग्रेस के सर पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। वो तो इनकी मेहरबानी है, ये नहीं कह रहे कि ये गांधी जी की वजह से हो गया, ये नेहरू जी की वजह से हो गया, इसके लिए तो इंदिरा जी दोषी थी। इन लोगों के काम ये है, नाच ना जानू आगन टेढ़ा, काम करते नहीं है, किसी तरह का कोई भला किसी जनता का करते नहीं है। और इस तरह का काम होता है, इस तरह की जब रोक लग जाती है तो कहते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस की वजह से हो गया, अब जब हो गया तो हमारी वजह से हो गया। तो आप तो इनका चाल चलन और चेहरा समझते हैं, ये इसी तरह का काम करने वाली पार्टी है, इसका जनता की भलाई से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग कहते थे कि 70 साल तक कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, अब 70 साल में जो हमने प्रॉपर्टियां बनाई थी, जो हमने बड़े बड़े संस्थान बनाए थे, अब उनको बेच के खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इनकी दोमुही नीति क्या है। एक तरफ कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया ही नहीं और आप कहते हैं कि हम अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टियां हैं वो बेच के अपनी सरकार चलाएंगे।
बनाना कुछ है नहीं, ये विध्वंस पार्टी है। इनका काम निर्माण का नहीं है, इनका काम जनता की भलाई का नहीं है। ये केवल और केवल एक काम करते हैं कि कैसे भी करके जनता से कैसे उसका शोषण किया जाए, उससे कैसे रुपया पैसा खर्चा जाए और कैसे अपने घर भरे जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो आज से 15 साल पहले आप देख लें इनकी क्या हालत थी और आज ये कहां पहुंच गए। एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी जो है आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, 50-50 लाख की, 20-20 लाख की, कहां से आ गए भाई ये पैसे? कौन सा काम मालू जी, कौन सा तुम्हारे काम धंधे हैं? ये तो वही मैंने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल पटाटे, ये तो पूरे देश को डकार गए, खा गए, डकार भी नहीं ले रहे हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं इनकी, और ये लोग जिनके पास खाने को दाने नहीं थे, वो लोग बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े उद्योग खड़े करके बैठे हैं। ये हवा भी बेच दी, जमीन भी बेच दी, आकाश भी बेच दिया, सब बेच दिया इन्होंने। इन्होंने देश को कहीं छोड़ा है क्या? तभी तो लोगों ने इनको नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हालत है, अपनी हालत तो देख लें, 42-55 पे आके टिक गए और मध्य प्रदेश में 15 साल तक सत्ता के बाहर, उत्तर प्रदेश में बाहर, बिहार में बाहर, बंगाल में बाहर, तमिलनाडु में बाहर, केरल में बाहर, कहाँ है अंदर ये? और पंजाब में बाहर होने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ में तो टूर चल ही रही है कुश्ती। देखिए आप छत्तीसगढ़ की कुश्ती को देखिए, क्या नजारा है। राजस्थान की कुश्ती देखिए, ये देखिए कांग्रेस की सर्वोटबल, ये केवल सत्ता पिपासु लोग हैं और धन पिपासु लोग हैं। धन बल के आधार पर इन्होंने हमेशा और बाहुबल के आधार पर सत्ता पाई है। जब ये ट्रांसपेरेंसी हुई, चुनाव जब अच्छी तरह होने लगे, तब इनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये अपनी स्थिति देख लें कि लोगों के साथ जो छल कपट इन्होंने किया है और अपने घर और अट्टालिकाएं खड़ी किए, उसका परिणाम ये भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। ये जिस तरह के इन्होंने धोखाधड़ी और अत्याचार किया इन वर्गों पर, दमार लेकिन मालू जी वो कह रहे हैं कि 1.5 साल से आप शांत थे। जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया विधानसभा से लेकर सड़क पर, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, इसके बाद आप सक्रिय हो। ये अभिमत तो आप पहले भी ले सकते थे और पहले से लागू कर सकते थे, 1 लाख नौकरियों में इसका फायदा लोगों को मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता के बाद ही तो आप जागृत हुए, तो श्रेय तो उनको मिलना भी चाहिए थोड़ा बहुत। ये सपने दिखाते हैं लोगों को, ये कोई ट्वीट से कुछ नहीं हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से। मैंने आपको उदाहरण बताया, काका कालेलकर समिति का क्या करा, मंडल आयोग का इन्होंने क्या किया। ये इतने साल सत्ता में रहे, इनकी सब जितनी कार गुजारियां और जितनी धोखाधड़ी लोगों के बीच में आ गई है। यदि पिछड़े वर्ग के इतने हितैषी होते तो उत्तर प्रदेश में पीछे जाते क्या? ये खुद पिछड़ गए, पिछड़े अगर इनके साथ होते, बिहार में इनके पिछड़े इनके साथ होते तो क्या हालत होती। नए नए जो दल हैं, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, कहाँ से देखो, अंतिम परिणाम ये होता है कि लोगों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद है कि नहीं इनके साथ। यदि इन्होंने काम किया, इसका मतलब या तो ये लोगों को मूर्ख समझते हैं या ये खुद लोगों में अपना ये चेहरा कुछ लगाते हैं, दिखाते कुछ है कुछ और। ये बहरूपीय लोग हैं, जनता समझ गई इनको और इनको इतिहास के कूड़ेदान में पहले ही फेंक दिया है और अब इनका नामो निशान मिट जाएगा, कांग्रेस का पता नहीं रहेगा कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। सक्सेना जी, ओबीसी आरक्षण की नैया पे सवार होकर सत्ता में पहुंचने की कोशिश है। मालू जी कह रहे हैं कि 10 मंत्री थे उनके यहाँ जब सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, और आज सीएम है मतलब, तो 10 मंत्री हैं उनके ओबीसी के, और खुद मुख्यमंत्री ओबीसी, उससे पहले ओबीसी मुख्यमंत्री गौर साहब, उमा भारती आपकी सरकार में साथ थे, केंद्र में भी लगातार ओबीसी के मंत्रियों की ज्यादा अभी शामिल किया गया मोदी सरकार में, लेकिन तो आते नहीं है। अभी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ओबीसी का था, अरुण यादव, उसके पहले सुभाष यादव जी 4.5 साल तक ओबीसी के नेता थे और वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मालूम नहीं है, केवल अनर्गल प्रलाप करना। मैं तो पूछता हूँ ना, आरएसएस का आज तक कोई सरसंघ चालक ब्राह्मण के अलावा दूसरे समाज का क्यों नहीं बन पाया? इसका जवाब दे दो अगर यही बात कर रहे हो तो। और जो आपके अभी मंत्रिमंडल है उसमें से 20 आदमी तो गद्दार हैं, कांग्रेसी हैं, उनको आपने मंत्री बना रखा है क्यों भाई? जो आपके पार्टी के लोग हैं वो आज दरी बिछा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और आपकी पार्टी के लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं पूरी तरह से नकारा जा रहा है, और कांग्रेस से आए हुए लोगों के लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। उनकी सभाओं में आप जाते हैं तो आपको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बचा है? आपकी पार्टी बची कहाँ है? अब तो इसका कांग्रेसीकरण हो चुका है। चलिए, चूंकि समय नहीं है सक्सेना जी, तो मालू जी से 30 सेकंड में मालू जी जवाब देना चाहेंगे आप?
चलिए, लगता है मालू जी से संपर्क टूट गया। प्रियल जी, क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ दोनों राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ मची है और इसका कोई ठोस समाधान निकलेगा 1 सितंबर को, या अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? वो कह रहे हैं जिलों में जाके बोलिए कि 27% आरक्षण लागू है मध्य प्रदेश में, होना जाना कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आपको, कानूनी पेच तो है ना अभी? आरक्षण की जहां तक बात है उस पे मैं इतना ही समझती हूँ, ओबीसी हो या कोई भी एससी एसटी कोई भी, जहां तक ये है कि ऑलरेडी नीचे वर्गीय के लोगों को ऑलरेडी आरक्षण के नाम पे बहुत सारी छूट ऑलरेडी दी गई है। अगर अभी हम बात करें इन 27% की, तो आप मध्य प्रदेश की छोड़िए या आप अगर एक सेंटर में भी बात करते हैं, तो ओबीसी की सरकार हो या ओबीसी के अन्य अन्य पद पे मंचित लोग बैठे हो, वो एक अलग बात है। बात यहाँ पे अपने शैक्षिक वर्ग के स्टूडेंट की है, जहाँ पे ऑलरेडी एससी एसटी ओबीसी के बहुत सारे ऐसे आप मेडिकल डिपार्टमेंट में कानूनी पेच तो है ना, ये आप तो मानती हैं भी कानून का रास्ता खुला हुआ है, कितना आसान नहीं है कि दे दिया आपने 27%। जी, और जहां तक मैं सक्सेना जी की एक बात समझूंगी कि बीजेपी वालों ने स्टे लगाई, देखिए ऐसा है कि बाहर तक जो भी दलीलें हो वो एक अलग बात है, जब ये मामला कोर्ट कचहरी के अंदर पहुंच जाता है तब किसी की दलीलें कुछ भी नहीं काम आती है, ये कानून के अंदर की बात होती है और कानून ही इस पे तय करता है कि कानून के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। जी, कानूनी तय करेगा इस मामले में भी। प्रियल जी, रवि जी और गोविंद मालू जी, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल वोटर को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे पर श्रेय लेने की कोशिश करे, ऐसा ना नहीं होता कि वो कोशिश करे श्रेय ना ले। हर आदमी चाहता, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उससे श्रेय मिल जाए, लेकिन अब इस मामले में श्रेय के बीच एक पैंच अब भी बरकरार है। 6 मामलों की तरह अन्य मामलों में भी अदालत का दरवाज़ा खुला है, यानी अभी रास्ता उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।